पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सीहोर में भोपाल इंदौर मार्ग पर चौपाल सागर के पास बस पलटी, 17 यात्री हुए घायल, 5 की हालत गंभीर। मुरैना में पति दूसरी औरत के कहने पर पीटता है, एएसपी के सामने गोद में मासूम लिए पत्नी ने लगाई गुहार, पुलिस ने कही जांच की बात। शिवपुरी में नर्स ने डॉक्टर के बेटे को प्यार में फंसा, 11 लाख रुपए ऐंठे, रेप केस में फंसाने की भी दी धमकी, हॉस्पिटल मालिक को भी ब्लैकमेल कर मांगा प्लॉट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में भारी बारिश, नदी नाले उफनाए, नर्मदा, ताप्ती और छिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफान पर। नगर निगम चुनाव में सागर के बरियाघाट वार्ड 41 से विजय हुई बीजेपी पार्षद वैदेही पुरोहित को सम्मान देते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके निवास स्थल पर पहुंचकर दी बधाई, साथ ही परशुराम भगवान की प्रतिमा भी की भेंट। आज वैदेही पुरोहित जी चुनाव जीती हैं बरियाघाट से, उस समंदर में ब्राह्मण समाज के सभी युवा उन्हें बधाई देने आए थे। ब्राह्मण समाज एक पूरा परिवार है, तो एक परिवार की मुखिया एक चुनाव जीती हैं, तो उनकी खुशी में हम सब शामिल होने आए थे और उन्हें बधाई देने आए थे। मैनपुर जबलपुर ट्रेन में नकली टीटी यात्रियों से कर रहा था वसूली, यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के साथ कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश के हाथरस में डंपर ने रौंदा, 6 की हुई मौत, हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर लौट रहे थे, परिजनों ने किया चक्का जाम। गुना में बारिश से पुलिया टूटी, रस्सी के सहारे नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, फंस जाते हैं लोग, फिर भी खतरा उठा रहे। मध्य प्रदेश में होगा राज्य युवा परिषद का गठन, युवा महापंचायत में सीएम शिवराज ने किया ऐलान, सरकारी विभागों में लिए जाएंगे युवाओं के सुझाव। हाल ही में जारी हुए कॉलेजों के परीक्षा परिणाम में फेल हुए ज्यादातर छात्र छात्राएं, इसी को लेकर सागर में अटेंड कॉमर्स के विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की कुलपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, परीक्षा परिणामों की जांच कर दोबारा रिजल्ट घोषित किए जाने की मांग। परिषद से है आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सागर, महाराज छत्रसाल छतरपुर। हम लोगों को परीक्षा परिणाम में सुरक्षा के संबंध में कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र में कार्य करता चला आ रहा है। इसी कार्यक्रम इसी दिनांक 15/7/2022 BA BSc BCOM फाइनल वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसमें परीक्षा परिणाम में अधिकतम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पूरक फेल किया गया। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।